हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 13 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की न्यूज डिस्कशन की तरफ। आज का जो पहला आर्टिकल यहाँ पे आया है वो बेसिकली आया है कमसाले डांस को लेके। तो देखो, यूपीएससी कमसाले डांस के बारे में एक तो ये पूछ सकती है कहाँ से रिलेटेड है और कौन से देवता से रिलेटेड है, कौन से लॉर्ड से, तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि आजकल यूपीएससी काफ़ी स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पूछने लग गई है, काफ़ी डीप में जाके, तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। देखो, जो कमसाले नृत्य है, जो कमसाले डांस है, बेसिकली कामसाले, इसको कमसाले आप बोल सकते हो, ये बेसिकली आपको बताऊं यहाँ पे लॉर्ड शिवा है उनसे रिलेटेड है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इससे के साथ ही जो गोड महादेश्वर, जिसे बेसिकली लॉर्ड शिवा के नाम से जाना जाता है, उनके बेसिकली ये डांस है वो किया जाता है। और ये हालू कुरुबा कम्युनिटी एक समुदाय है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हालू कुरुबा जो कम्युनिटी है, जो कि बेसिकली कर्नाटका से बिलोंग करती है, उस कम्युनिटी के द्वारा ये कमसाले डांस को परफॉर्म है वो किया जाता है, लॉर्ड शिवा से बेसिकली ये रिलेटेड है, तो ये फैक्ट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके बाद में यूपीएससी इतना तो बारीक नहीं पूछेगी कि कौन कौन कर्नाटका में कौन कौन से एरिया में बेसिकली इसको परफॉर्म है वो किया जाता है। इसके साथ हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि जो फोक आर्ट है वो बेसिकली जो डेवोटीज होती हैं उनके द्वारा परफॉर्म है वो की जाती है, और गोड महादेश्वरा के याद में या गोड महादेश्वरा को समर्पित ये डांस है वो बेसिकली होता है। इसके साथ ही जो कमसाले डांस है वो बेसिकली एक ब्रास की एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बना होता है, ब्रास धातु का, और उसकी हेल्प से डांस है वो परफॉर्म किया जाता है, कुछ इस तरीके का डांस है वो होता है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा मार्शल आर्ट टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया है बेसिकली यहाँ पे फ्रेटीज विलेज के बारे में। तो जो फ्रेटीज विलेज है वो क्या होते हैं, देखो फ्रेटीज विलेज का मतलब होता है बेसिकली माल ढुलाई गाँव या माल ढुलाई विलेज के नाम से इनको जाना जाता है। कंटेक्स्ट बेसिकली ये है कि आपको पता है कि नेशनल वाटर एवन है वो गंगा रिवर पे बनाया जा रहा है, और उसमें जो वाराणसी का जो एरिया है, वाराणसी जो पोर्ट है आप एक तरीके से बोल सकते हो, इसी में यहाँ पे इसको फ्रेटीज विलेज से नाम से घोषित है वो किया गया और यहाँ पे इस पर डेवलपमेंट किया जाएगा। तो हम पहले तो ये समझते हैं कि फ्रेटीज विलेज होता क्या है, माल ढुलाई गाँव। देखो, माल ढुलाई गाँव का मतलब ये होता है, आप थोड़ा ऐसे समझिए कि जैसे ये पॉइंट है, ये मान लो कि ये गाँव है, यहाँ पे इसके यहाँ से एक साइड से यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, एक साइड से इसके यहाँ पे ट्रेन का मार्ग जा रहा है, और एक साइड से इसके मान लो रोड का है, मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है हर चीज़ से देखा जाए तो क्या होगा कि ये जो वाला एरिया है ना, एक तरीके से जंक्शन का काम करने लग जाएगा। ये जो गांव है ये इसको जंक्शन के तौर पे डेवलप कर दिया जाता है ताकि रेल का सामान, अगर जैसे रेल वाला जो सामान है, मालगाड़ी का सामान है, उसको अगर बस रोड के थ्रू भेजना हो तो रोड के थ्रू भेजा जा सकता है। इसके अलावा जो कंटेनर वगैरह आ रहे हैं, शिप थ्रू वगैरह आ रही हैं, अगर यहाँ पे इनलैंड वाटरवे के थ्रू, तो उनको भी यहाँ पे एक्सचेंज वगैरह कर सकते हैं। तो एक तरीके से मिडवे या आप एक्सचेंज पॉइंट बोल सकते हो। तो ये काम, ये जो जगह होगी, ये जो गांव हो गया इस तरीके के काम में, उसको बोला जाता है बेसिकली फ्रेटीज विलेज या फिर माल ढुलाई गाँव। मतलब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होती है वो काफ़ी तरीके की होती है। एक सिंक्रोनाइज वे में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है वो होता है, जैसे कि यहाँ पे रेल रोड हो सकता है, फिर रेल वाटरवे हो सकता है, फिर रोड वाटरवे के रिलेटेड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट काम करते हैं। तो अभी वाराणसी को यहाँ पे फ्रेटीज गाँव के तौर पे डेवलप है वो किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, वाराणसी में रेल रूट भी अवेलेबल है वहाँ पे, और आपको बताया कि रोड रूट भी अवेलेबल है, और इसी के साथ अभी वहाँ पे इनलैंड वाटरवे भी बन चुके हैं, तो इन तीनों को मिला के वहाँ पे डेवलपमेंट है वो किया जा रहा है। तो अभी कंटेक्स्ट यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, उसने बेसिकली 156 करोड़ रुपए का जो फ्रेटीज विलेज है वाराणसी में, उसको डेवलप करने के लिए इनलैंड वाटरवे टर्मिनल और जो गंगा रिजर्वेशन है उसको अनुमति दे दी है। तो ये तो है बेसिकली कंटेक्स्ट। तो हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि फ्रेटीज विलेज होता क्या है। इसके साथ ही वाराणसी को फ्रेटीज विलेज के तौर पर डेवलप किया जाएगा, किसके द्वारा? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। बेनिफिट क्या होगा? देखो, बेनिफिट ये होगा कि अब वाराणसी का जो एरिया है वहाँ पे कार्गो हब बन जाएगा, वहाँ पे एक तरीके से लॉजिस्टिक सर्विस है वो इम्प्रूव होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है वो किया जाएगा। इसके साथ ही वहाँ पे फूड प्रोड्यूसिंग जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी लग जाएंगी। क्योंकि देखो, अगर कुछ माल क्या होता है कि बार, जैसे आपको पता है कि अगर शिप के थ्रू सामान आ रहा है तो वो एक बल्क में आता है, फिर उसकी पैकिंग की जाती है, फिर उसको छोटे छोटे भागों में उसको पार्ट डिवाइड करके फिर उसको ट्रकों में लाद के भेजा जाता है। तो एक तरीके से क्या होगा, वहाँ पे छोटे छोटे बिजनेस हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं वो खुलने लग जाएंगे, और उसी को फ्रेटीज विलेज का बेनिफिट है वो मिलेगा। इसके साथ ही वहाँ पे प्रोडक्ट में वैल्यूडेशन भी किया जाएगा, और एक प्रोफेशनल लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के तौर पे वाराणसी को डेवलप है वो भी किया जाएगा। तो ये बेसिकली आर्टिकल है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो यूपीएससी यहाँ पे ये पूछ सकती है कि कहाँ पे बेसिकली भी फ्रेटीज विलेज है वो बनाया गया है। ऑप्शन दे सकती है हल्दिया में, या इसके साथ आपको और भी ऑप्शन दिया जा सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई वाराणसी में बेसिकली स्थापित है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन ये है कि कैंगा पावर स्टेशन है वो कहाँ पे है, कौन से स्टेट में, भी न्यूज़ में था बेसिकली।
पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर और चौथा है राजस्थान। तो देखो बेसिकली जो कैंगा वाटर सॉरी कैंगा पावर स्टेशन 1 है वो बेसिकली कर्नाटका में है। अभी न्यूज में क्यों था वो मैं आपको बताता हूँ। जो कैंगा पावर स्टेशन है वो बेसिकली लगभग 3 साल तक बिना रुके कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर रहा था। तो इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि 3 साल में लगा एक भी दिन बंद नहीं हुआ और उसने इलेक्ट्रिसिटी है वो बनाई। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके द्वारा तैयार किया गया है। तो यूपीएससी कैंगा पावर स्टेशन के बारे में पूछ सकती है कि कौन से स्टेट में, तो हमें पता होना चाहिए मेन मेन पावर स्टेशन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डेड सी स्कॉल्स के बारे में। तो यहाँ पे एक वर्ड आया सबसे पहले स्कॉल। देखो आपने पुरानी मूवी देखी होगी या फिर आपने जैसे जोधा अकबर मूवी देखी होगी तो उसमें आपको पता है कि जैसे राजा के पास जो संदेश आता है जो लेटर आता है वो कुछ इस तरीके का होता था, ऐसे गोल गोल बना होता था। ऐसे आपको पता होगा, आप देखा होगा आपने पुरानी मूवियों में या फिर पुराने सीरियल्स में कि ऐसे गोल गोल एक तरीके से बेलन के टाइप के होते थे और इसमें खोल के जो लेटर्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए रहते थे। तो इसको बोला जाता है बेसिकली स्क्रोल। तो अभी एक पुराने स्क्रोल है वो पाए गए हैं कहाँ पे, डेड सी में। डेड सी है कहाँ पे, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले एरिया की। डेड सी है देखो बेसिकली जॉर्डन और इसराइल के बीच में, ये है डेड सी की लोकेशन। और ये जो यहाँ पे है ये है वेस्ट बैंक और ये है यहाँ पे गाजा स्ट्रिप। तो आपको पता है कि वेस्ट जो सॉरी वो यहाँ पे वेस्ट बैंक और जो गाजा स्ट्रिप है इनको दोनों को मिला के पैलेस्टीन कंट्री का नाम है वो दिया गया है, जो कि काफ़ी विवादित भी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक तरीके से वेस्ट बैंक कहाँ पे है, इसके साथ ही डेड सी की लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये बताइए कि मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस कौन है। मेडिटेरियन सी का एक लाइट हाउस है, उसका नाम क्या है वो आपको बताना कि किसको मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं कंटेक्स्ट तरफ। कंटेक्स्ट ये है कि डेड सी में जो भी स्कोर पाए गए हैं वो है कौन से वो देखते हैं। देखो बेसिकली ये एंशिएंट जो पांडुलिपि हैं या फिर जो आप बोल सकते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो पाई गई हैं, और ये किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो ये बेसिकली आपको बता दूं कि हेब्रू जो बाइबल है, हेब्रू आपको पता है कि इसराइल में जो लोग रहते हैं उनकी एक तरीके से आप बोलते हो उनका रिलीजन है। तो हेब्रू जो कम्युनिटी है उनकी जो बाइबल है उनका बेसिकली ये पांडुलिपियाँ उनसे बिलोंग है वो करती है। तो उसकी उम्मीद की जा रही है कि लगभग 3rd century BC इसके साथ 1st century AD के टाइम के आसपास की है। तो हमें UPSC पूछ सकती है कि भी रिसेंटली स्क्रोल वगैरह के बारे में तो पता होना चाहिए कि भाई ये हेब्रू जो बाइबल है उसके भी यहाँ पे प्राचीन जो पांडुलिपि अवशेष है वो पाए गए हैं इस बुक में, या उसके बारे में कुछ यहाँ पे वर्णन है वो मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बायोप्लास्टिक्स के बारे में। तो क्या है बायोप्लास्टिक हम वो देखते हैं। देखो जो नॉर्मली हम प्लास्टिक यूज करते हैं ये बेसिकली बनता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। तो ये हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल जो हमारा प्लास्टिक घरों में यूज करते हैं वो बनता है पेट्रोलियम से। और आपको पता है पेट्रोलियम वैसे ही बहुत महंगा होता है और काफ़ी मारामारी चल रही होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जब भी दहन होता है इनका, जब भी इनका यूज किया जाता है तो इनसे काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे देश में ऑल ओवर वर्ल्ड में एमिशन होता है हमारे इन्वायरमेंट में, जिसका काफ़ी बुरा इफेक्ट देखने को हमें मिलता है और क्लाइमेट चेंज में भी काफ़ी अहम रीजन का हो जाता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने बायोप्लास्टिक को डेवलप है वो किया है। बायोप्लास्टिक का मतलब ये है कि ये बेसिकली जो मक्का हुआ, गेहूं हुआ या फिर सुगन केयर का जो बचा हुआ अवशेष होगा उनको मिला के बेसिकली इनको बनाया जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो बायोप्लास्टिक है वो है क्या। तो देखो यहाँ पे फिर एक थोड़ा मेंस के लिए पॉइंट भी है कि लगभग उम्मीद की जा रही है कि 2050 तक अगर हम इसी तरीके से जो प्लास्टिक हम पेट्रोलियम से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उस वगैरह प्लास्टिक हम यूज करते रहे तो 2025 तक जो CO2 का एमिशन हो रहा है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें 15% जो कंट्रीब्यूशन है वो तो अकेले इस प्लास्टिक का ही होगा। तो ये कुछ फैक्ट है जिसे हम कहीं भी आंसर राइटिंग वगैरह में यूज है वो कर सकते हैं। इसी के साथ जो बायोप्लास्टिक के फीचर की बात करें, यह क्लाइमेट न्यूट्रल है, मतलब यह एक तरीके से ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन में हेल्पफुल है, वो नहीं रहेगा। इसके साथ ही रिन्यूएबल रॉ मटेरियल हैं उनकी हेल्प से बनाया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो भी फसलों के अवशेष होते हैं उनका भी यहाँ पे यूज है वो किया जा सकता है। तो बायोप्लास्टिक के बारे में हमें कुछ फैक्ट है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है ओसिरिस मिशन के बारे में। तो ओसिरिस जो मिशन है वो है क्या वो हम देख लेते हैं। काफ़ी न्यूज़ में देखो बहुत लंबे टाइम से ऑलमोस्ट हर एक वीक में इसके बारे में न्यूज है वो आती रहती है। तो देखो जैसे मैं बताऊं कि ये जो ओसिरिस मिशन है ये नासा का मिशन है, पहली चीज़ तो ये है। इसकी फुल फॉर्म वो है ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरवेक्शन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोलित एक्सप्लोरर, जिसे ओसिरिस मिशन के नाम से जाना जाता है। देखो बेसिकली एक स्पेस क्राफ्ट है जिसको बेसिकली एस्ट्रॉयड जो बेनू है उसकी स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था 2016 में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एस्ट्रॉयड बेनू है उसकी स्टडी करने के लिए नासा के द्वारा
और श्री रेक्स मिशन को लॉन्च है वो किया गया था 2016 में। 2018 में ये अपनी जो लोकेशन है वहां पे पहुंच गया और इसका काम ये था कि है जो एस्टेरॉयड वेनु है ना इसकी सतह पे जाके वहां से सैंपल है वो कलेक्ट करेगा और उसके बाद वापस अर्थ पे लौट जाएगा और 2023 तक वापस अर्थ पे इसके लौटने की उम्मीद है वो की जा रही है। तो अभी इसने वहां से जो वहां की रॉक्स वगैरह है उनका सैंपल वगैरह लिया है और उसके थ्रू पता चला है कि जो एस्टेरॉयड वेनु है इस पे एक तरीके से पानी के कुछ अवशेष वगैरह पाए गए हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एस्टेरॉयड वेनु की स्टडी के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो एस्टेरॉयड वेनु है इसको बेसिकली डिस्कवर किया गया था 1999 में। एक 1999 में एक नासा का एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम है लीनियर प्रोजेक्ट और उस लीनियर प्रोजेक्ट के तहत वेनु एस्टेरॉयड की स्टडी है, वेनु एस्टेरॉयड के बारे में हमें पता चला था और उसी के बाद नासा ने उसकी स्टडी करने के लिए एक नया स्पेसक्राफ्ट है, नया एक तरीके से आप बोल सकते हो उसको लॉन्च किया, नई मशीन को, और उसकी हेल्प से अभी वहां पे सैंपल कलेक्ट है वो किए जा रहे हैं। तो कंप्लीट आर्टिकल हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एट साइबर दोस्त। देखो बेसिकली हमारे देश की जो मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री, होम अफेयर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, उसके द्वारा एक कैंपेन, एक प्रोग्राम है वो चलाया गया है और ये चलाया गया है बेसिकली एक ट्विटर प्रोग्राम। इसका मेन मोटो ये है कि हमारे देश में जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं इनके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके और उनसे कैसे बचना है इसके बारे में डील है वो यहाँ पे की जाएगी। देखो आपको पता है कि हमारे देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसी के साथ ही बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको साइबर क्राइम्स के बारे में पता नहीं होता है और वो अनजाने में इस चीज़ के शिकार हैं, वो हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट उनको अलर्ट करना चाहती है, लोगों को अवेयर करना चाहती है कि भाई आप जो गर्म अफवाह न्यूज़ फैलती रहती हैं, ऐसी मतलब हॉट खबरें होती हैं, इनसे उनसे बचा जा सके और कहीं भी वो गलती से अपना जान माल का नुकसान वो ना करें, इसके लिए साइबर दोस्त कैंपेन है वो चलाया गया। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा लोगों को साइबर क्राइम्स के बारे में अवेयर करवाने के लिए, इसके साथ ही लोगों को एक तरीके से नॉलेज है वो शेयर करने के लिए और साइबर क्राइम से कैसे बचना है इन सब के बारे में अलर्ट करने के लिए एट द रेट साइबर दोस्त कैंपेन या एट द रेट साइबर ये एक पोर्टल आप एक तरीके बोल सकते हो कि ट्विटर पे बना है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। जो मिनिस्ट्री है इसने इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई है जिसका नाम है cybercrime.government.in। तो यह कुछ फैक्ट है जिसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब यूपीएससी तो ये पूछ सकती है कि है जो कैंपेन है वो बेसिकली चलाया गया एक तरीके से आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा, या फिर आपको पूछ सकती है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो हमें वहाँ पे पता होना चाहिए कि ना तो भाई साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री है, ना ही यहाँ पे एक आईटी जो मिनिस्ट्री है वो है, यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट इस तरीके से हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स के बारे में। कंटेक्स्ट यह है कि अभी हमारे देश के जो कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल थे, केक जनरल की जिसमें बात करें, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल राजीव महसी, उनको अभी यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स है उसका वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट है वो किया गया है। ध्यान रखना है यहाँ पे उनको वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, ना कि चेयरमैन। जो मेन चेयरमैन है बेसिकली यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स वो तो बेसिकली यूके से हैं, अभी भी उन्हीं को इलेक्ट है वो किया गया है और इंडिया के तौर पे उनको वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है राजीव महर्षि को। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करें कि जो यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर है वो है क्या और कब इसको बनाया गया था। तो देखो बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 1438 के तहत 1959 में, यानी 1959 में यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स बनाया गया था यूनाइटेड नेशन के तहत। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन काम यह है कि एक तो जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ऑडिटिंग होती है इसके स्टैंडर्ड्स हैं इनको तय करना, इसके साथ ही जैसे एक कंट्री में ऑडिट हो रही है तो वो अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो दूसरी कंट्री के साथ शेयर कर सकती है, अपना नॉलेज है ऑडिट का, एक्सपीरियंस किस तरीके से उन्होंने ऑडिट किया है, मेथड वगैरह है ऑडिट वगैरह की, इन्फॉर्मेशन बारे में एक्सचेंज है वो की जा सकती है, इसके लिए ही एक तरीके से पैनल है वो बनाया गया है। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ऑडिट से संबंधित इन्फॉर्मेशन है उनको एक तरीके से सब लोगों तक आपस में एक्सचेंज करने के लिए ये बनाया गया है, या ये आप बोल सकते हो कि रिजोल्यूशन पास है वो किया गया है। इसी के साथ ही इसमें मेंबर होते हैं वो होते हैं यूनाइटेड नेशन बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स और इसमें एक्सटर्नल ऑडिटर भी होते हैं जो कि स्पेसिफाइड एजेंसी के होते हैं। और आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके भी बेसिकली इसमें मेंबर है वो होते हैं। आप ये बताइए कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो यूएन का पार्ट है या नहीं है, ये बताइए कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यूएन का पार्ट है या नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो अभी हुआ क्या था, यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स है उनकी एनुअल मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में और वहां पे रिजोल्यूशन पारित हुआ कि भाई राजीव महर्षि हैं उनको वाइस चेयरपर्सन है उसके तौर पे अपॉइंट किया जाएगा और जो चेयरपर्सन है वो है यूके के। तो ये फैक्ट
इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रिसेंटली यूपीएससी पूछ सकते हैं कि इनको चेयरपर्सन के तौर पे अपॉइंट किया गया है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, काफी इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है। इस काउंसिल के बारे में कुछ फैक्ट है। सबसे पहली बात तो है कि इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो देखो नाम से पता चल रहा है कि ऑब्वियसली प्रधानमंत्री होने वाले हैं। कंटेक्स्ट ये आया है कि अभी इसमें एक हमारे देश के प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट थे, या प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट और कॉलमिनिस्ट, मतलब जो कॉलम वगैरह लगते हैं न्यूज़पेपर में, जिनका नाम था सुजीत भल्ला, और उन्होंने अभी रिजाइन दे दिया प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से, तो उसको लेके बेसिकली आर्टिकल आया है। देखो जो प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है ये बेसिकली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टेचुरी, नॉन परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो ये आपको ध्यान में रखना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही स्टेचुरी बॉडी है, ना ही परमानेंट है। देखो इसको बनाया क्यों गया था, वो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे देश में अगर कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो उसको ऐसा तो नहीं कि उसको हर चीज़ का नॉलेज होता है, तो इकोनॉमी से बारे में रिलेटेड जो भी उनको इन्फॉर्मेशन देनी है या उनको डिसीजंस वगैरह लेने में कोई हेल्प करनी है वो इसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा। तो एक तरीके से हमारे देश में जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्रिटिकल इश्यूज होते हैं, या फिर एक तरीके से जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देनी हो इकोनॉमी के बारे में, महंगाई वगैरह के बारे में, जीडीपी चेंज के बारे में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, तो वो एडवाइस दी जाती है इस काउंसिल के द्वारा। और ये इस काउंसिल के लिए मैंडेटरी है कि उसको प्रधानमंत्री को एडवाइस देना ही होगा जब प्रधानमंत्री को इस एडवाइस की जरूरत हो, महंगाई के बारे में हो या फिर जीडीपी एक्सचेंज हो, तो इकोनॉमी का मतलब आप समझ गए कि सारे फैक्टर्स में इंक्लूड है वो हो गए हैं। तो यह ध्यान रखना कि वर्ल्ड में जो ट्रेड कॉमर्स है इसके लिए भी एडवाइस है वो दी जाती है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जिसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस किया। आज सबसे पहले हमने कम साले डांस के बारे में डिस्कस किया, जो कि कर्नाटक की हाला कोलवल जो कम्युनिटी है उसके द्वारा डांस ही परफॉर्म है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो हमने देखा कि फ्रेटिस विलेज है वो बेसिकली वाराणसी को डेवलप है वो किया जा रहा है। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा कि कैंगा पावर स्टेशन है वो कर्नाटका में स्थित है। इसके साथ हमने यहाँ पे डेड सी स्कॉल्स के बारे में जाना, और इसी के साथ हमने यहाँ पे बायोप्लास्टिक के बारे में जाना कि बायोप्लास्टिक क्या है, और इसी के साथ हमने नासा का जो मिशन है ओ श्री रेक्स मिशन उसके बारे में हमने यहाँ पे स्टडी की, और इसी के साथ हमने प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के बारे में जाना, और यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स के बारे में हमने जाना कि उसके वाइस चेयरपर्सन है वो इंडिया के कंप्यूटर ऑडिटर जनरल को अपॉइंट है वो किया गया है। ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।